government part. I am accountable to this house. और मेरा मेरे मेरा मेरे हर जो कदम है या हर एक्शन जो है वो ये हाउस जो है उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है और मुझसे जवाब तलब कर सकता है और मैं जवाब देने का पावर तो ये इसमें कोई ना कोई गुरेज है ना कोई अवॉइड करने का कोई है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले दो तीन रोजे शदीद गर्मी में पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी तकलीफ में गुजारे सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई है पिछले दो रोजों में सिचुएशन बेहतर हुई है एक बात मैं अर्ज करता चलूं जो जो जब बहस इस पे होगी तो हम तफसीलन अर्ज करेंगे जो मेरे भाई खुर्शीद शाह साहब ने मोहतरम कायद हिज्ब इख्तलाफ ने फरमाया है के इलेक्ट्रिक का हमारा जब ये प्राइवेटाइज हुई थी तो प्राइवेटाइज के जो शिकायत थे जो कंडीशंस थे जो टर्म्स थी उसमें ये चीज जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट जुज थी जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को जानते हैं मैं मेरे भाई नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं और भी फाइनेंस को जानते हैं कि कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा बायर को जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो है उसको कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल जो है इस वक्त जो है वो इसके पास है एक प्राइवेट पार्टी के पास है एक प्राइवेट इन्वेस्टर के पास है हमारे पास 26% उसके शेयर हैं दो बंदे हमारे बोर्ड पे बैठते हैं लेकिन हमारा जो है उसके इंतजाम और इंसराम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है एक डिस्प्यूटेड डिसीजन के मुताबिक 650 मेगावाट हम बिजली उनको दे रहे थे एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बावजूद आज भी बिजली जो है 650 मेगावाट जो है कराची की जो आवाम है उनकी तकालीफ को कम करने के लिए आज भी दे रहे हैं दो हमारी को लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इस बात को मोहतरम खुर्शीद शाह साहब भी समझते हैं बाकी मेम्बरान जो इन चीजों को समझते हैं वो समझते हैं कि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है वी हैव एब्सोल्युटली मैं बड़ा क्लियर बार बार ये इस बात का इरादा करता हूं वी हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन के इलेक्ट्रिक सारा कंट्रोल जो है वहां पे जिस पार्टी को माजी की हुकूमतों ने बेचा दो दफा बिकी वो दोनों दफा एग्रीमेंट हुआ एक दफा ये हुकूमत में ये एग्रीमेंट रीनिगोशिएट हुए मैं जब बहस होगी मैं उन एग्रीमेंट की भी तफसील जो है यहां पर बयान करूंगा जहां तक ये कहा गया है कि वजीर मुमलिकत ने कहा कि जी के इसका हम कंट्रोल ले रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने जो बात इंतजामी हुई है उसके सिलसिले में एक बात की हुकूमत की ना कोई ये पॉलिसी है कि प्राइवेटाइज करके दोबारा उसको नेशनलाइज किया जाए ये हमारी कोई पॉलिसी है मैं उसको क्लैरिफाई रात को कर चुका हूं मैं एंड में एक दफा फिर जो है ये जो ऑफर है वजीर खजाना की तरफ से उसका उसको सपोर्ट करता हूं उसका इरादा करता हूं कि खुले दिल के साथ हम जो है इस क्रिटिसिज्म को भी लेंगे और अगर हमारी इसलाह जो है ये अगस्त हाउस जो है वो उसके मेंबरान करना चाहते हैं हम उस इसलाह के लिए भी हाजिर हैं हमें कोई इसमें तामुल नहीं है कोई हेजिटेशन नहीं है अगर सारी पार्लियामेंट जो है वो मुतहद होके इस बुहरान को सॉल्व करने के लिए इस बुहरान के हल के लिए सपोर्ट करना चाहती है हुकूमत को तो मोर द मैरियर जितने हाथ जो हैं मिलके इसको धक्का लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इस बुहरान से बाहर निकलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया